तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईपीएस क्लास 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के 35 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके इंटर की परीक्षा में 100% आएंगे, मतलब आपके इंटर की परीक्षा में इस 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ही पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेंगे और आप लोगों को अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। सो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख सके। और आप यहाँ देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता क्लास 12th शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये है चैप्टर वन से हम लोग पहले पढ़ेंगे। और चैप्टर वन से आप लोगों को ओनली 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी चैप्टर वन से आप लोगों को मात्र 5 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि उद्यमी या साहसी कौन है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2010 एवं 2011 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि उद्यमी या साहसी कौन है। तो इसका आंसर देख लीजिए, साहसी वे होते हैं जो जोखिम उठाने वाले होते हैं। साहसी या उद्यमी लाभ की आशा से किसी कार्य को शुरू करते हैं, साथ ही उस कार्य में कोई नुकसान होता है तो उसे सहने को भी तैयार रहते हैं। साहसी वह व्यक्ति है जो किसी उपक्रम आरंभ करने का दायित्व अपने ऊपर लेता है तथा ठेकेदार के रूप में पूंजी तथा श्रम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। फिर से आप सुन लीजिए कि उद्यमी या साहसी कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्यमी या साहसी कौन है। तो आंसर यानी उत्तर आपको लिखना होगा कि साहसी वे व्यक्ति होते हैं जो जोखिम उठाने वाले होते हैं। साहसी या उद्यमी लाभ की आशा से किसी कार्य को शुरू करते हैं, साथ ही साथ उस कार्य में कोई नुकसान होता है तो उसे सहने को भी तैयार रहते हैं। साहसी वह व्यक्ति होता है जो किसी उपक्रम आरंभ करने का दायित्व अपने ऊपर लेता है तथा ठेकेदार के रूप में पूंजी तथा श्रम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 2, अवसर लागत क्या है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं इंटर परीक्षा में 2014 एवं 2016 में पूछा गया था कि अवसर लागत क्या है। तो आंसर होगा, अवसर लागत ऐसी लागत है जो किसी अन्य स्थान पर व्यय करने से भी प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, अपनी इमारत को अगर व्यवसाय में प्रयोग किया जाए तो उसे इमारत से जो किराया प्राप्त हो सकता था वह उसका अवसर लागत है। इस प्रकार के लागत को तभी ध्यान में रखा जाता है जब किसी परियोजना के लाभदायकता निकाली जाती है। तो आप लोग इस सबको क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। मैं फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत ऐसी लागत है जो किसी अन्य स्थान पर व्यय करने से भी प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए, अपनी इमारत को अगर व्यवसाय में प्रयोग किया जाए तो उस इमारत से जो किराया प्राप्त हो सकता था वह उसका अवसर लागत है। इस प्रकार के लागत को तभी ध्यान में रखा जाता है जब किसी परियोजना के लाभदायकता निकाली जाती है। आगे देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, कर्मचारी और साहसी कैसे भिन्न होते हैं। कर्मचारी और साहसी जो होते हैं वो कैसे भिन्न होते हैं, मतलब कैसे अलग होते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो एक साइड आप लोगों को देखिए कॉपी को दो भागों में बांटना है, आप लोगों को कॉपी इस टाइप से दो भागों में बांटना है और एक साइड में आप लोगों को कर्मचारी और दूसरे साइड में आप लोगों को साहसी लिख देना है, ठीक है। तो देखिए कर्मचारी और साहसी कैसे भिन्न होते हैं। तो आंसर में कर्मचारी साइड यानी इस साइड में आपको लिखना होगा कि कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जिसे साहसी अपने कार्य में सहायता के लिए रखता है। कर्मचारी साहसी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत कार्य संपादन करता है। कर्मचारियों को लाभ या हानि का कोई भी जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। अब आप लोगों को साहसी साइड में लिखना होगा कि साहसी वह व्यक्ति है जो किसी व्यवसाय उपक्रम को लगाने का जोखिम लेता है। साहसी स्वतंत्र रूप से अपने कार्य संपादित करता है। साहसी को पग पग पर यानी लाभ अथवा हानि का जोखिम उठाना पड़ता है, मतलब हर कदम पर जो है लाभ अथवा हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। और चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देख सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, अवसर एवं उद्यमी के मध्य क्या संबंध है। अवसर एवं उद्यमी जो है उसके मध्य क्या संबंध है, यह क्वेश्चन 2018 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका आंसर है, अवसर एवं उद्यमी का संबंध, अवसर तथा उद्यमी के बीच वही संबंध है जो पानी और मछली के बीच होता है। पानी के बिना मछली का कोई जीवन नहीं होता, वही पानी से अपना भोजन तलाशती है और उसी में जिंदा रहती है। उद्यमी रूपी मछली का अवसर ही तो है, उद्यमी रूपी मछली का पानी अवसर ही तो है। अतः इन दोनों के बीच
जीवन मृत्यु का संबंध है। उद्यमी सबसे पहले अवसर को पहचान कर उसे चिन्हित करता है, विभिन्न संबंधित जानकारी हासिल करके उसकी वास्तविकता का आकलन करके उसके लिए संसाधन आदि जुटाकर प्रोजेक्ट की स्थापना सुनिश्चित करता है। आगे देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य बताइए। एक क्वेश्चन 2015 एवं 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि व्यावसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य को बताइए। इसका आंसर है कि व्यावसायिक अवसरों की पहचान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट, देश एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लघु, मध्यम एवं वृहद पैमाने के उद्योगों की संभावनाओं का अध्ययन एवं परीक्षण करना। दूसरा, एक निश्चित क्षेत्र में तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भौतिक संसाधनों के उपयोग एवं विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करना। तीसरा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकास संभावनाओं को ज्ञात करना। चौथा, अन्य क्षेत्रों के लिए संभावित उद्योगों के संदर्भ में अवसरों को पहचानना। ये सभी क्या है? तो व्यावसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य हैं। और हम लोगों ने चैप्टर 1 से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी की, और देखिए चैप्टर 2 से हम लोगों को मात्र कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है, तो ओनली 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी चैप्टर 2 से आप लोगों को 2 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। और 6 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के कोई 3 उद्देश्य बताइए। एक क्वेश्चन 2009 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन के कोई 3 उद्देश्य बताइए। आंसर है, पहला, अवसर की खोज में, दूसरा, अस्तित्व बनाए रखने में, तीसरा, सफलता प्राप्त करने में। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन सबको सॉल्व करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के कोई 3 उद्देश्य बताइए। तो आंसर हो गया अवसर की खोज में। चूंकि अवसर पर्यावरण के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, अतः पर्यावरण का अध्ययन साहसी की पहली आवश्यकता है। नए साहसियों के लिए तो यह वरदान है। दूसरा, अस्तित्व बनाए रखने में, आज की नित्य बदलती हुई परिस्थिति में साहसी को अपना अस्तित्व बनाए रखना भी एक कठिन कार्य है, अतः उसे पर्यावरण की हर नब्ज पर ध्यान रखना होगा ताकि वह इसके अनुरूप कार्य कर सकें। तीसरा, सफलता प्राप्त करने में, एक साहसी को अपना अस्तित्व बचाते हुए सफलता के आयाम यानी लक्ष्य प्राप्त करना होता है। यह तभी संभव है जब साहसी पर्यावरण की गतिविधि पर बारीकी बनाए रखें और इस बदलाव के अनुसार अपने को समायोजित करें। आगे का क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण के सूक्ष्म परीक्षण के किन्हीं 3 उद्देश्यों को बताइए। पर्यावरण के जो सूक्ष्म परीक्षण है उनके किन्हीं 3 उद्देश्य को हम लोगों को बताना है। तो आंसर होगा कि पर्यावरण के सूक्ष्म परीक्षण के 3 उद्देश्य निम्नवत हैं। पर्यावरण के सूक्ष्म परीक्षण के 3 उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला, कि वातावरण का विश्लेषण एक अंतर ज्ञानयुक्त एवं विदोहक प्रक्रिया है। दूसरा, यह एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, वातावरण में विश्लेषण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें समग्र रूप में वातावरण का अध्ययन एवं विश्लेषण सम्मिलित है। चलिए आगे देखते हैं, और हम लोगों का नेक्स्ट है 3रा चैप्टर यानी चैप्टर 3, और इससे आप लोगों को मात्र 1 क्वेश्चन यानी ओनली वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन यहाँ ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। ओनली 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी चैप्टर 3 से आप लोगों को एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। और देख सकते हैं क्वेश्चन है कि बाजार मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि बाजार मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर होगा, वस्तुतः बाजार में उन वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है जिनकी मांग ग्राहक करते हैं, किंतु यह निर्धारित करना कि ग्राहक क्या चाहते हैं एक जटिल काम है। बाजार में विविध प्रकार के ग्राहक होते हैं, उनकी पृष्ठभूमि, शिक्षा, आय, चाहत, पसंद आदि के संबंध में अलग अलग होती है। यह विजातीय ग्राहक उपक्रम के निकट एवं दूरस्थ स्थानों में होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनकी मांगें भी भिन्न भिन्न होती है। किसी भी उत्पादक के लिए असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है कि इन विविध प्रकार के ग्राहकों के लिए विविध कोटि की वस्तुओं का उत्पादन करें। अतः एक उद्यमी को यह तय कर लेना चाहिए कि किस कोटि के ग्राहकों के लिए वह वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है। यहाँ देखिए, इस बात का निर्धारण कर लेने के बाद संबंधित समूहों के ग्राहकों की मांग का अनुमान लगाया जा सकता है। इस संबंध में मांग पूर्व अनुमान से उद्यमियों को काफ़ी मदद मिलती है।
और दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, उद्यमिता के लिए बाजार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। एक क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 2009, 2013 एवं 2018 की इंटर की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उद्यमिता के लिए बाजार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। आंसर, बाजार मूल्यांकन वस्तुओं और सेवाओं की सही प्रवृत्ति दर्शाती है ताकि इन्हें लाभ पर बेचा जा सके। बाजार मूल्यांकन में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है, कौन कौन सा? तो मांग का आकार एवं प्रकार, उपभोक्ताओं की इच्छा एवं चयन, दूसरा प्रतिस्पर्धा की स्थिति प्रकार, दूसरी वस्तुओं की पूर्ति की विद्यमानता, भविष्य में बाजार की स्थिति में होने वाले परिवर्तनों की संभावनाएं, तीसरा उत्पादन का अनुमानित लागत, लाभ की मात्रा, विक्रय मूल्य, इसी प्रकार के उत्पादों का मूल्य तथा लागत कम करने के अवसर। उद्यमिता के लिए बाजार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो ये तीनों कारण को हम लोगों को लिख देना है उसके आंसर में। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग चैप्टर 5 और ओनली वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी चैप्टर 4 से आप लोगों को ओनली वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी सिर्फ एक ही क्वेश्चन की तैयारी करना है। देखिए क्वेश्चन, व्यवहार्यता अध्ययन क्या है? व्यवहार्यता अध्ययन जो है वो क्या है? तो इसका आंसर होगा, साहसी के उत्पाद के लिए जो उपक्रम बनाया जाएगा वह कैसा होगा, कहाँ होगा, कब होगा, उपक्रम कैसे संचालित होगा, क्या लागत आएगी, विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका असर अन्य प्रतियोगियों पर क्या होगा, कैसे पैकिंग होगी, विज्ञापन कैसे होगा, वितरण की व्यवस्था क्या रहेगी, खर्च के लिए उत्पादन हेतु कहाँ से कितना संसाधन प्राप्त हो सकेगा, और सबसे बड़ी बात लाभ की क्या गुंजाइश रहेगी आदि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि व्यवहार्यता अध्ययन क्या है। तो आंसर होगा, साहसी के उत्पाद के लिए जो उपक्रम बनाया जाएगा वह कैसा होगा, कहाँ होगा और कब होगा, उपक्रम कैसे संचालित होगा, क्या लागत आएगी, विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका असर अन्य प्रतियोगियों पर क्या होगा, कैसे पैकिंग होगी, विज्ञापन कैसे होगा, वितरण की व्यवस्था क्या रहेगी, खर्च के लिए उत्पादन हेतु कहाँ से कितना संसाधन प्राप्त हो सकेगा, और सबसे बड़ी बात लाभ की क्या गुंजाइश रहेगी। और फ्रेंड्स, मैंने जो है अकाउंटेंसी BST की जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ इसी टाइप का। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए यानी पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद अंत में यानी लास्ट में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों की अकाउंटेंसी की वीडियो होगी, तो उसे आप जरूर देखिएगा, लेकिन इस EPS की वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। और हम लोग जो है रोज शाम 7 बजे यानी प्रतिदिन शाम 7 बजे से PM को एक लाइव क्लास करते हैं, यानी एक वीडियो हम लोग लाइव आप लोगों की टेस्ट लेते हैं, मतलब लाइव पढ़ाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है अकाउंटेंसी BST EPS इकोनॉमिक्स इंग्लिश और हिंदी की। सो आप डेली जो है यानी रोज शाम 7 बजे लाइव क्लास से जरूर जुड़िएगा। और आगे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5, उपक्रम का चुनाव एवं स्थापना, only 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब चैप्टर 5 जो है उपक्रम का चुनाव एवं स्थापना, इससे आप लोगों को 2 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करनी है। और क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन 2011 एवं 2017 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। तो आंसर होगा, प्रोजेक्ट प्रतिवेदन, सभी तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए। इस रिपोर्ट में भावी उपक्रम का सारा विवरण समाहित होगा। इस रिपोर्ट को एक आवेदन पत्र के साथ सरकार के उद्योग विभाग में पंजीकरण के लिए जमा किया जाना चाहिए। यह विभाग इस रिपोर्ट के आधार पर उपक्रम का अस्थायी पंजीकरण करके इसे स्थापित करने का आदेश देता है। साथ ही उपक्रम की प्रकृति के अनुसार कई तरह की सुविधाएं भी रियायतों के साथ प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उपक्रम स्थापना को क्रियान्वित करने के लिए किन्हीं 2 चरणों की व्याख्या करें। यह क्वेश्चन 2018 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। इसका आंसर देख लीजिए, 1 नंबर यानी फर्स्ट नंबर, स्थान व्यवस्थित करना। उपक्रम जिस स्थान पर स्थापित होनी है वह उन सारी सुविधाओं को व्यवस्थित कर लेना चाहिए जो उपक्रम के लिए आवश्यक है, जैसे इस स्थान तक पहुंचने के लिए आवागमन की व्यवस्था, बिजली पानी आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। दूसरा देखिए, भवन निर्माण, उपक्रम के लिए कभी कभी औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा ही स्थान एवं भवन प्रदान की जाती है जिसके लिए किराया लिया जाता है।
यदि ऐसा नहीं है तो निजी एजेंसी से भी अपनी आवश्यकता अनुसार जगह और भवन भाड़े पर लिया जा सकता है। यह भी संभव नहीं हो तो जमीन खरीद कर स्वयं भवन का निर्माण किया जा सकता है। आगे देखते हैं और आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 6 यानी 6 नंबर चैप्टर व्यावसायिक नियोजन। इससे ओनली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मात्र 3 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है आप लोगों को चैप्टर 6 यानी व्यावसायिक नियोजन से। और नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नियोजन की कोई 3 विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन 2018 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला नंबर, निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य होना। नियोजन का कार्य निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरा, पूर्व अनुमान लगाना। नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण भविष्य के बारे में देखना अर्थात पूर्व अनुमान लगाना। तीसरा, एकता। फ्योल के अनुसार एकता भी नियोजन का एक आवश्यक लक्षण है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, नियोजन में समयबद्धता क्यों आवश्यक है। नियोजन जो है उसमें समयबद्धता क्यों आवश्यक है, तो आंसर देख लीजिए कि योजना के निर्माण में अवधि का महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा लक्षण कब प्राप्त करना है का सुनिश्चितीकरण पहले से कर लिया जाता है। इस दृष्टि से योजना 3 तरह की होती है। कितने तरह की, तो 3 तरह की, अल्पकालीन योजना, मध्यकालीन योजना और दीर्घकालीन योजना। चलिए हम लोग देखते हैं अल्पकालीन योजना में। जब योजना 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए बनाई जाए तो यह अल्पकालीन योजना कहलाती है। अल्पकालीन योजना किसे कहेंगे, तो जो योजना 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए बनाई जाए उसे अल्पकालीन योजना कहेंगे। और देखिए मध्यकालीन दूसरा, जब योजना 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम अवधि के लिए तैयार की जाए तो यह मध्यकालीन योजना कहलाती है। तीसरा, दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालीन योजनाएं लंबी अवधि अर्थात 5 वर्ष से अधिक समय के लिए तैयार की जाती है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावशाली नियंत्रण में नियोजन की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन 2013 एवं 2014 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था। इसका आंसर है कि नियोजन के अंतर्गत प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीनस्थों की प्रक्रिया पर सर्वोत्तम ढंग से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है। नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए नियोजित ढंग से अधीनस्थों की क्रियाओं का माप भी किया जाता है। यही नहीं, बजट भी नियोजन का एक अंग है और साथ ही यह नियंत्रण का भी एक अंग है। अतः बजट द्वारा भी प्रबंधकीय नियंत्रण प्रभावी बनता है। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 यानी चैप्टर नंबर 7, परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन। ओनली 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी आप लोगों की जो ईपीएस की यानी इंटरप्रेन्योरशिप की जो चैप्टर 7 है परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन, इससे आप लोगों को मात्र एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है और वो क्वेश्चन है कि परियोजना क्या है। इसका आंसर देख लीजिए, परियोजना जटिल परस्पर संबंधित एवं अनुक्रमिक कार्यों का एक समूह है जिसे निश्चित समय सीमा एवं बजट तथा विशेष विवरणों के अनुसार पूरा किया जाता है। आगे देख लीजिए चैप्टर 8 यानी चैप्टर 8, परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण एवं परियोजना मूल्यांकन। ओनली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी चैप्टर 8 से आप लोगों को मात्र 3 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, परियोजना प्रतिवेदन के कोई 3 उद्देश्य बताएं। ये क्वेश्चन 2015 एवं 2016 में पूछा गया था कि परियोजना प्रतिवेदन जो है उसके कोई 3 उद्देश्य को बताइए। इसका आंसर देख लीजिए, परियोजना प्रतिवेदन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है यानी नीचे अंकित है। पहला, विपणन, तकनीक, वित्त, कर्मचारी, उत्पादन, उपभोक्ता संतोष तथा सामाजिक वृत्तिदान के क्षेत्रों में अनुमानित प्रदर्शन पाने के लिए पूर्व में ही योजना तैयार करना। दूसरा, देखिए यह मूल्यांकन करना है कि संगठन के उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा किया गया है। इसके लिए उद्यमी से यह उम्मीद की जाती है कि वह निवेश सूचना को ध्यान में रखें। तीसरा, उद्देश्यों के निर्धारण के लिए प्रयास करना तथा इन्हें प्रमेय मूर्ति सत्यापनीय तथा प्राप्य बनाना। आगे देख लीजिए 18, परियोजना मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि परियोजना मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, तो आंसर देख लीजिए, परियोजना आकलन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला, परियोजना के विशेष एवं पूर्व अनुमानित परिणाम पर पहुंचना। दूसरा, परियोजना की सफलता को निर्धारित करने हेतु आवश्यक सूचना प्राप्त करना। तीसरा, परियोजना की सफलता का परमाप निर्धारित करना। और चौथा, परियोजना की अनुमानित लागत एवं लाभ को पहचानना।
और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, परियोजना में समयबद्धता क्यों आवश्यक है, परियोजना जो है उसमें समयबद्धता क्यों आवश्यक है। तो आंसर, परियोजना प्रतिवेदन में इसके प्रत्येक स्तर पर लगने वाले समय की तालिका संकलन की जानी चाहिए तथा इसे समय पर पूरा किए जाने की कसम साहसी को लेनी चाहिए ताकि परियोजना समय पर पूरा हो सके, अन्यथा इसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। विलंब होने से परियोजना की लागत बढ़ जाती है और कुछ अप्रत्याशित बाधाएं आने लगती है जिसके चलते इसका पूरा होना संदेशपद लगने लगता है। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 9, ठीक है, यानी चैप्टर 9, संसाधन निर्धारण एवं वित्तीय एवं गैर वित्तीय, संसाधन निर्धारण वित्तीय एवं गैर वित्तीय, ओनली 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी चैप्टर 9 से आप लोगों को मात्र 2 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, 20 नंबर, भौतिक संसाधनों को प्रभावित करने वाले किन ही दो तत्वों को बताएं। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, इसका आंसर देख लीजिए। पहला, भूमि की स्थिति, उसकी मात्रा एवं उसकी लागत तथा उक्त भूमि तक पहुंचने के लिए आवश्यक यातायात की सुविधा। दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धता, इसकी किस्म, लागत, आपूर्तिकर्ता, क्रय की पूर्ति एवं आपूर्ति में लगने वाला समय इत्यादि। आगे देख सकते हैं यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय संसाधन जुटाने के क्या स्रोत हैं, वित्तीय संसाधन जो है इसको जुटाने के क्या स्रोत हैं। यह क्वेश्चन 2017 के इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, आंसर देख लीजिए। उद्यमी अपने वित्तीय आवश्यकताओं की पूंजी स्वयं अपने कोष से या बाहरी कर्ज से पूरा करता है। कर्ज व्यापारिक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से या तो जमानत के आधार पर या बिना जमानत के आधार पर भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि उपक्रम का प्रारूप कंपनी के रूप में है तो शेयर तथा ऋण पत्र बेचकर वित्त का प्रबंध किया जाता है। आगे देखिए हम लोगों का चैप्टर 10 यानी 10 नंबर चैप्टर, अस्थाई एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं, ओनली 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी 10 नंबर चैप्टर यानी चैप्टर 10 से आप लोगों को मात्र 3 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना है। और देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, अस्थाई पूंजी क्या है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि अस्थाई पूंजी क्या है। तो आंसर देख लीजिए, अस्थाई पूंजी को अचल पूंजी भी कहते हैं। अस्थाई पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जिसका निवेश अस्थाई संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, उपकरण आदि की खरीद के लिए किया जाता है। इन संपत्तियों का क्रय करने का उद्देश्य लंबे समय तक इनसे आय अर्जित करना होता है। चूंकि यह पूंजी एक लंबे समय तक व्यवसाय में अवरुद्ध रहती है, अतएव इसे अस्थाई पूंजी कहते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 नंबर, कि कार्यशील पूंजी के चक्र से आप क्या समझते हैं। देखिए 2014, 15, 16 एवं 2018 के इंटर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि आपके 2021 के इंटर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन, कि कार्यशील पूंजी के चक्र से आप क्या समझते हैं। आंसर देख लीजिए, कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी की मात्रा से है जिसका निवेश चालू संपत्तियों जैसे प्राप्ति, विपत्र, विविध देनदार, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल में किया जाता है। कार्यशील पूंजी अस्थिर प्रकृति की होती है, अर्थात चक्र की तरह घटते बढ़ते रहता है। कार्यशील पूंजी कार्यशील एवं घूमती रहती है तथा इसका उपयोग दैनिक व्यवसायिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। और आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, अस्थाई पूंजी की विशेषताओं को बताएं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो आंसर देख लीजिए, अस्थाई पूंजी की विशेषताएं या प्रकृति। तो अस्थाई पूंजी की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, अस्थाई पूंजी व्यवसाय में दीर्घकाल तक रहती है। दूसरा, अस्थाई पूंजी का उपयोग अस्थाई संपत्तियों के क्रय करने में होता है जैसे भूमि, भवन, मशीनें, फर्नीचर आदि। तीसरा, अस्थाई पूंजी की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। चौथा, यह लागत संरचना को प्रभावित करती है। पांचवा, अस्थाई पूंजी में अत्यधिक जोखिम होती है। थोड़ा ऊपर चलते हैं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 यानी ईपीएस का जो चैप्टर है उनमें से 10 चैप्टर तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, मतलब उसका सॉल्यूशन कर लिया। और नेक्स्ट यानी दूसरी वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 11 से लेकर आगे के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को देखिए चैप्टर 11 से लेकर आगे का वीडियो दिख रही है, तो इसे आप जरूर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख सकें।